सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी का बोल शांत दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड श्लोके दुर्गा शिववाच देवेदं भक्तसुर्वे सर्वकारविधायिनी करोऽधिकारसिद्ध्यर्थं उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रभज्यामि कला सर्वेश साधनां मया तवेव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अच श्री दुर्गा सप्तलोके सप्तमन्दस्य शिव ऋषिः अनुष्टव छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विजयदासे देवे भगवते सा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छते दुर्गे स्मृताहरसिवेदिमजयशयन्तः स्वे स्मृतामधिमदेवशुभां ददासि दारिद्रदुःखवहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वचाद्रिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहंसदुष्टा रुष्टा दुःखावान् सगलानभिष्टान् कामाश्रितानां न विपण्डराणाम् कामाश्रिताय क्षयतां प्रयान्ति सर्वाधा प्रशमनं त्रैलोक्यजागरेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मभिरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शरशाकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गाभीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया जात्या त्रिनेत्राशूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाचिताचिरिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः।
श्यामवीरेव मातः च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्यादक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णाजपाटलापाटलावती भट्टाम्बरपरिधाना कलमद्विजरञ्जनी अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मदङ्गमनिभोजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चण्डकुमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च वृषागृह विमलाकर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिना बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहनवाहना शुम्भशुम्भहनि महिषासुरमर्दिनी मधुकैटलहन्ती च दण्डमण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकादस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुग्धकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया यलाधरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ज्ञायिनां प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम शदाष्टकम् दासाप्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायामयमस्ति न मे वच चतुर्वर्गं तथा चान्द्र लभे मुक्तिं च शाश्वते कुमारी बोधयत्ता देवीं सुरेश्वरी पूजय पर्याभक्त्या पठे नाम शदाष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दास काम्यानि राजश्रयमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तकुमेन सिन्दूरकर्पूरमदुत्तरेण विष्णचन्द्रं विदिना विधिज्ञो भवेत् सदाधार्यते पुरारिः मोमावास्यादिशामग्रे चन्द्रे सर्विषां गते विलक्ष्या प्रकटे स्तोत्रं भवे सम्बलां वदाम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ चामुण्डा देवता अङ्कण्या सप्तमातरबीजम् दिगबन्धदेवता सप्तम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशरीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्गण्डयोवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनां गण्डकव्यजुराकारे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्
महामने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रकण्डे कूर्मणेदिजलोदकम् पञ्चमं स्कन्दमादयति षष्ठं कात्यायनीतिज सप्तमं कालरात्रिति महागौरीतिजाष्टमम् नवमं सिद्धिरात्रिज नवदुर्गः प्रगेतिरा मुख्यानि नानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निनादय्य भारत शत्रुमध्ये गतारणे विश्वमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता कातेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे कामदं तस्य पश्यामि शोकदुःख वयं नहि येषु भक्त्यास्मिन् तेषां वृद्धि प्रजायते येषां स्वरन्ति रत्नशेदान संशयः वेदसंसाधु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियसमारूढा वैश्वी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरे प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विशवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाया नानारत्नवशोभिताः निश्चन्द्ररथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिमालं चामुदलायुधं खेदकं तोमरं जैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् यच्छानां देहनाशाय भक्तानामवयाय च कारयन्तायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्तु महारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साय महाभयविनाशिने राहिमा देवे सुश्रेष्ठ शत्रुनामय वर्धने राष्ट्रां रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवताम् दक्षिणेवतु भाराये नैरुध्यां खड्गधारिणि प्रतिष्ठां वारुणि रज्र वायभ्यामिगवाहिनि उदिष्टां पादु कौमारि यशाढाशूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अगस्ता वैश्वे तथा एवं दशुषो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पाशे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योगनी रक्ष कुमाबोधि व्यवस्थिता बालाकरीललाटे च भुव रक्ष यशस्विनी त्रिनेत्रा च भुवर्मध्ये यमकण्डा जनासिगे शङ्खणि चक्षुषोर्मभ्ये श्रोतयोर्भारवासिनि बभोलोकालिका रक्ष कर्णभोदय तु शङ्करि नासिकायां तु गण्ठा च वस्त्रभोजे जलजिगा अधरे चाम्यकलायुक्तायां च सरस्वती दण्डारक्षतु कौमारि कण्ठरे चेतु चण्डिका कण्ठिकां यच्च घण्टा च महामाया च तालके कामाक्षे चुकुं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च वृद्धभञ्जयनोधरे तेन ग्रीवा बहि कण्ठनलिकां नलकोभरे स्कन्धया गर्गणे रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्तया दण्डने रक्ष अम्बिका च गणेशु च गर्भाञ्चुलेश्वरी रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरे करारक्ष महादेवी मनाशोकविनाशने हृदय ललिता देवी उदयशूलधारिणि कामोजकामणि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरे तथा कूतनाकामि कामेदं कुले महिषवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष जारुणि विद्यावासिनि जङ्गे महावरा रक्ष सर्वकामं प्रदायिनि
कुल्फोर नर सिंह च पाद पृष्ठ सुदज से पादांगुलेषु शीरस्य पादाधिने नखाकशाकराले च केशां शैव तगेशने रोमकूपेषु कौबेरि त्वजं भागेशने तथा रक्तमज्जावसा माता शक्तिमेधास्ति पार्वते अन्त्राणि कालराज्यस्य वित्तं च मगलेश्वरे पद्मावति पद्मकोशे कवेषु रामनिष्ठता ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्धिश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां सत्येश्वरे तदा अहङ्कारं मनो बुद्धे सत्य मे धर्मधारिणि प्राणापानाङ्गनाव्यानमुदाणं च समानकम् रक्षहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्य च गगणि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रज्जतु वैष्णवे यजाज्ञेते च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च लक्षणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुभ्य रक्ष चण्डिके पुत्रारक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्षतु भैरवे पङ्गाणां सुभगारक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं दुःशासनं वर्जितं कवचेन तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ते पापनाशने अथमे कन्न गच्छतु जलेश जपमात्मनः कवचेनापितो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्राथ लावच विजया सर्वगामिकः प्राप्नोतिरस्थिताम् परमेश्वरमदुलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेश परायितः ते लोके सुभयपूज्या कवचेनामृतापमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापणे प्रयतो नित्यं दुर्बन्धं सत्यान्वितः देवी कलापवेदस्य त्रैलोक्यशपरायितः जीवे वर्षतां साग्रमवमित्य विवचितः दर्शन्ति याविहां सर्वे भूता विस्तोषकादयः साफलं जङ्गमं देव कृत्रिमं चाविषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्दशन्दानि भूतले भूजनाः केचनाश्चैव यवया च परेशिकाः सहजागुलिहामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तर्जरा घोरा नागिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाः यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराशेतारः कृष्णाणवैरवादयः नश्यन्ति नश्यनादस्य कवचेः संस्थिते मानोन देववैराग्यप्रेजो हृद्यकलम्बरम् यशसा वर्षते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशरीञ्जन्ये कृत्वा लोकजम्बरा यावत् भूमण्डलं दत्त सजलवनकाननम् भावतिष्ठति भेदिन्या सन्ततिः पुत्रपातृके देहान्ते परमस्थान यक्षुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमण्डस्य विष्णोर्हिः हनुजो छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा वेदये सप्तशदीपाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमो चण्डिकायै मार्गण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कुमारिणी दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु
जय चंद्र चामुंडा जय भोला विहारिणी जय सर्व देवी कालहते नमस्ते मधु कैलव भद्रादि विराते वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जगदेहि जयहि महिषासुरमर्दिनी भक्तानां जगदे नमः रूपं देहि जयं देहि जगदेहि जयहि रक्षवीरवहे देहि चन्द्रमण्डल विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जगदेहि जयहि कुम्भस्य निशम्भस्य धूम्रायस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि जगदेहि जयहि वन्दिताङ्गे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जगदेहि जयहि पतञ्जलो भजरिज सर्वशक्तो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जगदेहि जयहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे सुहद्यो भक्तिपूर्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे चण्डिके सर्वं जयता मध्यन्देह भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमसुखम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे विदेहि दुष्टानाशं विदेहि परमज्ञे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे सुरासुरशिरो रक्ता निगृष्ट जैनम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे विद्यावन्दं जशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दयनं करम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे प्रचण्डदैत्यधर्मग्ने चण्डिके परदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे चतुर्भुज चतुर्वज्र सन्धुरे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे कृष्णेन सन्धुरे देहि सर्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे विमाचल सुधारावरः सन्धुरे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे इन्द्राणि परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे देवी प्रचण्डदण्ड दत्यसर्वविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे देवी भक्तजनोदाव दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशायहे पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं कारिणी दुर्गसंसार सागरस्य कुलात्मवाम् इदं सत्त्वं पठित्वा तु महासत्त्वं पठे नरः सहतु सप्तशरे संज्ञा वर्णा पठोति संवदा ॐ अथ कीलकम् अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवादिः हनुष्टुमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बापेजन सप्तशरीपाठाङ्गेन जपेदिनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे वाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिव्यचक्षुषे श्रेयापातिनिमित्ताय नमः सोमादिदानिने सर्वमेतद्विजानीया मन्दारामवकीरकम् सोऽजिषेममाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः
यज्ञन्तु जाडनादि वस्तूनि सकलानवे विद्यते नामन्दोनौषधं तत्र नागेदमि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्यत सर्वभोज्यादनादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामि मामरः हित्वा निबन्धयामास सर्वमेवामिदं शिवम् सोऽयजन्तिकायाजगुप्तं जगारसः समाप्तेन च पुण्यश्च तान्यथावन्यन्तनाम् स्वविषयमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामाचलश्यामश्रम्यामासमायितः ददादेवदिशिन्नादेनाम्यदेशामसीदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिशीलां विधायेन नित्यं जपते संस्वराम् सिद्धः स्वगणः स्वामी गन्धर्वो जायते नरः काचयाकर्तव्यमयं कापि हयायते नापमिद्यवशं जाते मृतामक्षामवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुवेत न कुर्वाणो विनश्यते कथो ज्ञादेव सम्बन्धमिदं प्रारभ्य देवते सोवाद्यादिजयज्ञ दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यविदं शिवम् गणेषु याप्यमाने से स्वस्य सम्पत्तिरुज्जगैः भवत्येव समग्राभि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र सारेण सौभाग्यारोग्यसम्बदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते दानगेन्द्रणैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र हरि गिरि नंदन नंद तमे विश्व विनोदिनि नंदन से गिरिवर्य शिरोदिनि वास विश्व विलासिन सुन भगवती है जिन खंड कुटुंबिनि भोर कुटुंबिनि भोर हे महिषासुर मर्दिनि जय हरि चरणा कतरे भगवर वीर
सकल विराज विराज तामर जोर करे डुम डुम तामर डुम गोविनाद महामुखरे जगत न करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर जय लक्ष्मी आयन जहम जग मात निराज धूम्र विलोटन धूम्र जने शिव शिव शंबन शंब महावतारूत पिताजने जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर जिनि जय लक्ष्मी धनुर धन रक्षण दंग परेश्वर दंगन दंगन जंग पिशाकन जंगर जिंग रंग वलक्षित रंग रंग हे महिषासुर मरद रम्य कबर जय जय जप जय जय कर नट नटात नटी नट नायक नायक नाट गान जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर जिनि जय लक्ष्मी आय सुमन 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 हर कांदिय दे शेखर रजनी 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 कर रात्र विजय सुनयन में भ्रमर 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 भ्रमराधि पदे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर जिनि जय लक्ष्मी कई दहाव मल्ल मगल मल्ल सरल कमल दे कमल 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 दारुण कल कमल कर जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर जिनि जय लक्ष्मी अविरल गंड गलन मद में भक्त मदंग जराड पदे शिव भोजन बोध कला निरोग भय निराज सुने आय सुन निधन लाग समान मोहन मस्त राज सुने जय जय हे महिषासुर मर्दिनि मल कोमल कांत कला कलितामल भर सकल विलास कला निलय फेर चलत कलांतगुने फल कुल संकुल कोलय मंडल मौल मिलंत गुलाल कुहे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर जिनि जय लक्ष्मी चंदर जित कन काल मौल निर्वर कुंजर कुंभ गुजे जय जय हे महिषासुर सहस करे कसहस करे कसहस करे गुर तारक गंगर दंगर तारक सुर तो समाज समान समाज समान समाज सुजान दे जय जय हे महिषासुर परम पद मित्र शीलय गो मम
भक्तियाँ अभी अंत में कृष्ण नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि जयन्ते अहर्निशमया दातोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि जन्मदां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रीराम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय कनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन
तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय गणनाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव हि ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्ध मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योता वाली तेरी सदा ही जयकारा शेरां वाली जी दा मूल सच्चे दरबार की। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सगलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता जाशयतां प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। विद्या सुशास्त्रेषु वेग दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु कात्वदन्या ममत्व करते महांधकारे विभामते तदतीव विश्वम। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा सच्चे दरबार की। इस जगत में जभी जभी भी हम भक्तों पर कोई संकट का लान पड़ा है अथवा हमारी कोई मनोकामना अपूर्ण रही है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देख करके हमारे सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दी है। प्राचीन काल में कोसल देश में एक धनहीन बड़े कुटुंब वाला वैश्य रहता था जो दिन भर लोगों का कार्य करके इतना धन नहीं जुटा पाता था कि वो अपने बच्चों को एक समय भर पेट भोजन दे सके, परंतु था वो बड़ा सुशील धर्मपरायण शांत चित्त, अपने पितरों की पूजा करके अतिथियों को भोजन करा करके बच्चों को भोजन दे करके जो बचता था खाता था अथवा भूखा रहता था। इस प्रकार इस निर्धनता से तंग आकर के उसने एक दिन अपने घर में बुद्धि संपन्न ब्राह्मण को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, मुझे कोई ऐसा जब पूजा पाठ दान बताइए जिससे मेरे घर में इतना धन आ जाए जिससे मैं अपने बच्चों को दो समय भर पेट भोजन दे सकूं और आए हुए अतिथि का भी आदर सम्मान कर सकूं।
साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, स्वयं भूखा ना रहे अतिथि भूखा ना जाए। बस इससे अधिक धन की चाह नहीं करता। मैंने अपने भूख से बिलखते हुए बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है, जिससे मेरा मन शोक अग्नि से जल रहा है। मेरी कन्या जो 10 वर्ष से अधिक की हो रही है, उसका विवाह का समय बीतता जा रहा है, उसके विवाह के लिए मुझे जो धन प्रदान करवा दूं, ऐसा जब पूजा पाठ बताओ। तब उन विद्वान ब्राह्मण ने सम्यक प्रकार से विचार करके उस वैश्य को, जिसको अपने गुणों के कारण सुशील नाम की ख्याति प्राप्त हुई थी, बताया कि आप इसके लिए नवरात्र व्रत करो, विधि पूर्वक दुर्गा माता जी का पूजन, उनका पाठ और यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मण को भोजन, देवी सूक्त का पाठ करो, नवान मंत्र का जाप करो। इससे निश्चय रूप से प्रसन्न होकर के माता रानी ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगी, क्योंकि पूर्व काल में वशिष्ठ जी, अत्रि जी, बृहस्पति जी इस व्रत को कर चुके हैं और स्वयं राम जी ने सीता को लाने के लिए इसी व्रत को जो किष्किंधा पर्वत किया था, और माता जी के आशीर्वाद से रावण का परिवार से वध करके उन्होंने सीता को वापस आया था। तब उस सुशील वैश्य ने उन्हीं ब्राह्मण से माया बीज की दीक्षा ग्रहण की और नवरात्र आने पर वो विधि पूर्वक व्रत करने लगा। 9 साल तक वो निराहार रह करके माता जी का व्रत करता रहा और इसमें उसने यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन, देवी सूत का पाठ, नवान मंत्र का जाप किया, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया और माता ने प्रसन्न होकर अष्टमी की मध्य रात्रि को उसको दर्शन दिया और उसको कृतार्थ कर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी जभी हम भक्तों पर कोई संकट काल आन पड़ा है, उस समय हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के हमारे सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर किया है। भले ही हम इसमें भक्त हों, देवगण हों, राजा महाराजा हों अथवा अवतार हों, सभी ने अंतकाल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभी शक्तियों से संपन्न होकर के जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, विशेष रूप से इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। कलो ही चंडी विनायक, शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णित कर दिया है कि कलिकाल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति का प्रताप होगा। आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में गणेश चतुर्थी के दिवस पर करोड़ों की मूर्तियां बना करके आभूषणों से अलंकृत करके समुद्र में प्रवाही जाती हैं और जहां उत्तर भारत में हमारे दुर्गा पूजा प्रचलित है, हिमाचल में 9 देवी हैं, श्रीनगर में खीर भवानी और जहां हमारे जम्मू के डुग्गर प्रदेश में वैष्णो माता जी विराजमान है। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हुई आपको शक्ति, ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों माँ शक्ति जड़ मूल से एक है, उपरा के 3 स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती ही परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। जिस प्रकार वेदों का सार गायत्री मंत्र है, इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का सार ये निवारण मंत्र है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं तीनों महाशक्तियों के बिना सृष्टि का जो सुचारू कार्य चलना असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि यदि पुरुष के पास केवल धन ही है, विद्या नहीं है, तो बुद्धि के बिना जो जान नहीं पाएगा धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। पहले धन का आना ही गलत होगा और जब आ जाएगा उसे पता नहीं चलेगा कि कैसे खर्च करना है, और केवल विद्या ही है, धन नहीं है, तो पांडित्यम निवेश होते तो अविना लक्ष्मी, पंडिताएं भी लक्ष्मी बिना शोभाने देती। भले ही पुरुष कितना विद्वान हो और विशेष करके कलिकाल में यदि उसका वेशभूषा अच्छा नहीं है, उसका भी आदर सम्मान नहीं होता और शक्ति बिना
दोनों वस्तु का मिलना दुर्लभ है। अतः ये तीनों शक्तियां स्वतः प्राप्त हों, हमें कलिकाल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। आइए हम सभी भक्त ज्ञान माता के चरणों बैठे हुए इसी निवारण मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरावाली जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैनू ना चरना दे नाल मां, मेरा किसे ना पूछिया हाल मां मैनू ना चरना दे नाल मां, मेरा आज
पास न चले बेबस होके आ गया दरबार में ਹਾਲ
सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी दा सच्चे दरबार जय माता दी कहंदा कहंदा तेरे दर तक आया ना पल्ले गुण कोई मेरे हो मैं त्यों गुण लेके आया दुनिया मंगे लख करोड़ा हो मैनू मिल जाए तेरी छाया हो मैनू मिल जाए तेरी छाया ओ हुण लगन लगी की करिए ओ हर पल तेरा नाम की मरिए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम की मरिए ओ हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम की मरिए पल तेरा नाम जिनाई हो तेरे ध्यान दे विच मन बस हर वे कोई होर ध्यान ना करिए हो तेरे ध्यान दे विच मन बस हर वे हो कोई होर ध्यान ना करिए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी की करिए पल तेरा नाम जिनाइए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी करिए पल पल तेरा नाम जिनाइए शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी लाया हो लख लख शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी लाया हो लख लख शुक्र तेरा जो मैनू लाया हाँ लख लख शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी मन बस हर वे कोई होर ध्यान ना करिए हो तेरे ध्यान दे विच मन बस हर वे कोई होर ध्यान ना करिए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए तेरे दर नू छड़ के मैया होर केड़े दर जावा तेरे दर नू छड़ के मैया होर केड़े दर जावा तेरे दर नू छड़ के मैया होर केड़े दर जावा तेरे दर नू छड़ के मैया होर के
दुर्गे मैया
Amen.
सच्चे दरबार की जय। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु करोज्जलाभां तद्रत्तवन्मकर कुण्डलहार भूषां दिव्याजुषोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभ चरणां भवती परेशां सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवादी शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 9 प्रविष्टे हैं। कृष्ण पक्ष या तिथि या तिथि है तिथि या आज प्रातः 11:25 तक है। तत्पश्चात चतुर्थी है अतः आज गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सोमवार तदनुसार 22 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम उदयोस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो आपको आरोग्यता प्राप्त हो अब धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तजन उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती लिखी है सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम कौन सी दिन ध्यावत मैया जी कौन सी दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा के हरि। ओम
पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो माता जी, जल मिल बोलो जय माता जी, जय हो बेला जय माता जी, राधा बेला जय माता जी, मां आरती बेला जय माता जी, मां आतुलानी जय माता जी, मां कष्ट मिटानी जय माता जी, मां मेरा करनी जय माता जी, मां झोलियां भरनी जय माता जी, मां भरे खजाने जय माता जी, हे सोला याने जय माता जी, मां गोदा भरनी जय माता जी, मां वीर देनी जय माता जी, मां लाल देनी जय माता जी, हे बाणे सुनिया जय माता जी, जरा पुट्टी बोलो जय माता जी, जरा हाथ भी बोलो जय माता जी, तारी बजा ਜਾਜਕ ਦੰਦੇ ਜਾਜਕ ਦੰਦੇ ਜਾਜਕ ਦੰਦੇ ਜਾਜਕ ਦੰਦੇ ਜਾਜਕ ਦੰਦੇ ਜਾਜਕ ਦੰਦੇ
सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो देहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूज्य श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, तृतीय गणेश आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर सो सठ घड़ी जो चरणा दा ध्यान ले Thank you.
खड़गम चक्र गदेषु चाप बलिदानोरं भुजुण्डैक्षरा शङ्खं सन्दधते करे श्रीनयना सर्वाङ्गभूषाभृता नीलाशब्दतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तो स्वपिते हरौ कमलयौ हन्तं मधुं केतवम् अक्षत्रपरशोङ्गलेशुकुलशं परमं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमतिं च चर्म चरणं घण्टासुरभाजनं शूलं पाददु दर्शने च ददति हस्ते प्रसन्नाजना सेवे तैरवगर्जनी निर्मः लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टासूरहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् अस्तादेशलिङ्गनान्तविदुष चेताशु तुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवां श्रीजगता आधार भूतामः पूर्वा मध्य सरस्वती मन्वजे शुम्भादिदत्यादिनि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वानां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवरं सर्वलोकैकनाथं केशवं रामनारायणं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वदे हरे मुरारे मयूरवादे गोविन्द गोपाल मोहन किशोरे ज्ञानं प्रवेहि शरणं प्रवेहि विद्यां प्रवेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे मयि मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंकड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत स्वर्ग हार हो भारत स्वर्ग हार हो भारत स्वर्ग हार हो बोलो हरे 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 बोलो गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता जी। Thank you.
Thank you.